अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ SNJ आज आपके लिए दही बड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये रमज़ान के हवाले से काफ़ी फेमस डिश है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, दही के साथ खाया जाता है, ठंडा ठंडा बहुत पसंद किया जाता है। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। इसके अलावा मैं इसको फ्रीज़ करना भी सिखाऊंगी। इसको आप जैसे ये बने रखे हैं, मैं इनको आपको बताऊंगी ये किस तरह इसको आप फ्रीज़ कर लें। इसके अलावा इसका दही बनाना वो भी तरीका बताऊंगी। वैसे तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीक़े से, जो मेरी चैनल की स्पेशलिटी है कि मैं आपको ईजी और सिंपल वे में चीज़ सिखाती हूँ, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगी कि आप सिंपल तरीके से किस तरह दही बड़े बना सकते हैं, इसका दही तैयार कर सकते हैं और बड़े किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी नाज़रीन, दही बड़ों के इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं, बहुत सिंपल और इजी। ये मूंग और माश की दाल है जो मैंने ओवरनाइट सोक कर दी थी, ये है 400 ग्राम, ठीक है। इसके अलावा 200 ग्राम मूंग की दाल और 200 ग्राम जो है ये माश की दाल है। इसके अलावा नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, 2 टीस्पून ज़ीरा जाएगा, और ये सोडा है, सोडा बाइकार्बोनेट, ये जो हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं। अभी मैं इसको पीसूंगी, इसमें मैं सिर्फ नमक डाल के पीस रही हूँ, और मैं आपको इसको दिखा देती हूँ कि कितना पतला आप रखें। थोड़ा पानी डाल के पीसें और फिर बाद में आप उसमें जो है मतलब जितना हमें पतला चाहिए उतना कर दीजिएगा। मैं अभी आपको पीस के दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, ये देखिए दाल मैंने पीस ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दाल जो है, ये देखिए, ये इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, पतली बहुत ना कीजिएगा और ना बहुत गाढ़ी रखिएगा। बहुत गाढ़ी रखेंगे तो सख्त आपके जो दही बड़े हैं वो सख्त हो जाएंगे। हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून, चाहें तो पीसते हुए भी शामिल कर सकते हैं। 2 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा, साबुत ज़ीरा शामिल किया हमने, और ये बेकिंग सोडा मैंने बताया था, हमने 400 ग्राम के हिसाब से, यानी 200 ग्राम में 1/2 टीस्पून जाएगा और 400 ग्राम में हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं, और इसको मिक्स कर लीजिए। अब सोडा डाल के इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, और फिर उसके बाद इसे फ्राई करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। दही बड़ों के दो पार्ट हैं, एक ये हो गया, इसके बड़े बनेंगे, और फिर मैं आपको बाद में दही का तरीका बताऊँगी। 5 मिनट बाद फ्राई करते हैं। जी नाज़रीन, अब हम कुकिंग करेंगे, और कुकिंग आप ये मैंने थोड़ा सा पूरा चूल्हा इसीलिए दिखा रही हूँ एक किस तरह करेंगे। एक फ्लैट पैन ले लें, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लें, ये शैलो फ्राई होगा। और ये हमने डीप फ्राई के लिए एक पैन रखा है जिसमें अच्छा खासा तेल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक छन्नी मैंने रखी है जिसमें हम निकाल के रखेंगे। इसको थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ऑयल मेरा गरम हो चुका है, अब मैं इसको आँच को जो है लो कर रही हूँ स्टार्टिंग। अच्छा, इसके अलावा ये दही बड़ों का जो बड़े बनाने का तरीका है, आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको एक स्टैंडर्ड चमचा लिया है, ये टेबल स्पून वाला चम्मच है, मैं इतने बड़े बनाती हूँ। अगर आप इससे ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो भी अच्छा है, आपकी मर्ज़ी पे है, छोटे होंगे तो बहुत छोटे, ये एक मीडियम साइज़ का मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये इस तरह आप इसको इससे फैलाते जाएं चम्मच से, ये देखिए राउंड शेप के दही बड़े आपके। जब ये थोड़े से पक जाएंगे, ये देखिए ये अलग होने लगते हैं, हम उठा के इसको इस दही में शिफ्ट कर देंगे।
यहाँ आप इसका शेप बनाएंगे और उसको उसमें आप इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, ये इसे इस पर पहले आप एक टीप स्पून से इसको इस पर थोड़ा सा ऊपर से पका लें और फिर उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए एक तरफ से ये हो गए और अब हम इसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। और मैंने फ्राई पैन पे और डाल दिए थे और अब ये देखिए मैं इसको इसमें और डाल दूँगी। ये देखिए इसमें गोल्डन कलर आ गया। अब मैं ये स्ट्रेनर जो मैंने यहाँ रखा था साइड में ये मैं इसमें शिफ्ट करती जाऊँगी। जी नाज़रीन, ये देखिए दही बड़ों के बड़े तैयार हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देख लें आप। ये इस तरह का कोई बैग, वैसे तो कोई भी आप थैली ले सकते हैं लेकिन मेरे पास ये जिप लॉक बैग्स हैं। मैं ये इसमें करके और फ्रीज़र में रख दूँगी, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं निकालूँगी और खौलते हुए गर्म पानी में मैं उतने दही बड़े डालूँगी। दही बड़े उतनी देर रखना होता है पानी में जब वो फूला हुआ फील हो, जब वो फूला हुआ फील होने लगे तो फिर आप उसको निकाल के पानी उससे, मैं भी अब बाकी तरीका आपको दिखा देती हूँ, उस तरह कर लीजिए और आपके फर्स्ट क्लास किस्म के दही बड़े तैयार हैं। रमज़ान के लिए ये एक कारामद रेसिपी है। तो चलें अब मैं आपको इसका दही बनाना और इसकी बाकी की चीज़ें बताती हूँ। जी नाज़रीन, एक पहली डिश में आप दही बड़े रख लें जितने आपको इस्तेमाल करने हैं और उसके ऊपर हम खौलता हुआ गर्म पानी, ये देखिए नाज़रीन खौलता हुआ गर्म पानी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और अब मैं इसे थोड़ी देर सोक होने के लिए रख दूँगी एक तरफ। इसके साथ ही हम दही का बताती हूँ मैं। दही का, दही मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से बनाते हैं। बाज़ लोगों के यहाँ बिल्कुल सादा दही इस्तेमाल होता है लेकिन मेरे यहाँ थोड़ा सा इसमें स्पाइस शामिल होते हैं। मैं अपना तरीका आपको बता देती हूँ। 250 ग्राम मैंने दही लिया है, इसको मैं एक जो हैंडी ब्लेंडर का कंटेनर है उसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने वो डालकर उसमें 2 लहसुन के जवे, देख सकते हैं आप 2 लहसुन के जवे, 1 हरी मिर्च, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है तो मैं इसमें जो है ये 1 हरी मिर्च, बल्कि उसको मैंने थोड़ा कम ही कर दिया। 2 टेबल स्पून शुगर, ये आपको मीडियम इसमें सब चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको, 1/4 टीस्पून नमक और 2 टेबल स्पून भर कर मैं मायोनीज़ डालूँगी। ये आप देख सकते हैं मायोनीज़, किसी भी कंपनी का आप मायोनीज़ ले सकते हैं। ये 250 ग्राम के करीब है, देखिए भर कर दही मेरे पास मैं उसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, को ब्लेंड करूँगी। सारा दही नहीं डालिएगा कभी भी क्योंकि जब दही ब्लेंड होता है तो वो पतला हो जाता है, तो हमें इतना पतला दही नहीं चाहिए। अब मैं आपको इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, ये दही जो मैंने आपको दिखाया था उसमें चीज़ें डाली थी, इसमें मैंने 1/4 कप पानी भी शामिल किया और फिर उसके बाद ये इतना पतला, और एक तो मज़ीद पतला हो जाता है, थोड़ा पानी डाल के मैंने पतला किया। इसके अलावा आप दही बड़े देख सकते हैं ये फूल चुके हैं। अब मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। ये देखिए इनको हाथ में लिए बहुत अच्छे से हुए हैं, थोड़ा गर्म है, ये देखिए इस तरह हाथ से दबा के और बहुत सॉफ्ट हैं। इस तरह हम इसको इसमें ट्रे में लगा लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए जो दही बड़े थे उन्हें मैंने इस तरह डिश में रख लिया। अब मैं दही तैयार कर रही हूँ। ये दही को थोड़ा सा एक फोक की मदद से मैं अच्छे
अगर हम सारा दही ब्लेंडर में चला लेते तो बिल्कुल पतला पानी हो जाता, जो हमें नहीं चाहिए था। और अब बाकी जो ये हमने पीस के रखा था हम वो भी इसमें शामिल कर लेते हैं। चीनी, नमक, लहसुन और मायनीज, इन चीज़ों को आप कम ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब ये इसकी मदद से मैं इसमें काढ़ा काढ़ा आ गया। अगर हम इसे पूरा पतला को ब्लेंड कर देते सबको, तो ये बिल्कुल पतला पानी हो जाता। ये अब मैं इसको इसके ऊपर पोर करूँगी। थोड़ा तो पतला रखना होता है क्योंकि ये इसको सोखता है, थोड़ा बहुत इसमें जाता है। ये देखें, आपका अगर फ्रेश दही हो तो उसे अच्छी तरह फेंट लीजिएगा किसी उससे। मेरा क्योंकि ये कंपनी वाला है, या हमारे यहाँ फ्रेश नहीं मिलता। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताती जाऊँ कि ये इसमें थोड़ा थोड़ा उठा कर भी आप इसमें डालिए। ये देखिए इस तरह, ताकि ये जो नीचे रहे हैं दही बड़े, इनमें भी जाए। ये इस तरह, इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। इतनी देर में ये दही बड़े जो हैं इनको दही सोख लेगा। देखें, ये हमारा दही बड़े तैयार हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन करेंगे। हल्की सी इस पे लाल मिर्च छिड़क देंगे, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है। इसके अलावा चाट मसाला किसी भी अच्छी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, वो हल्का हल्का। और स्पेशली जो चीज़ इसके साथ इस्तेमाल होती है वो है इमली की चटनी। और ये चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आप उस पे जाके देख सकते हैं, इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये देखें, इसको हम इस तरह, और ये ऊपर से डाल के आप इसके साथ इस्तेमाल करें। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना आप ये छिड़क लें प्रेजेंटेशन के लिए। लीजिए नाज़रीन, मज़ेदार दही बड़े तैयार हैं। मैंने आपको ऑप्शन भी बता दिया, इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी बता दिया कि आप किसी भी फ्राई करके जब ठंडे हो जाएं तो किसी भी पॉलिथीन बैग में, किसी ऐसी अगर सील वाली बैग है तो उसमें डाल के आप रख दें। तो लीजिए, दही बड़े तैयार हैं। ईजी वे में, सिंपल तरीक़े से बनाएं, कोई उस पर मसाले और ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीक़े से बनाएं, रमज़ान में इंजॉय करें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे वीडियोस को देखें, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, थम्स अप लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए। यकीन जानिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आसान से आसान तरीके से आपको कुकिंग सिखाऊं। कमेंट्स कीजिए, बताइए क्या चीज़ आपकी समझ में नहीं आई, या आपको कुछ और सीखना है तो वो बताइए। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।